हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक विद मलिक में। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड शेयर के बारे में। देखिए, इसने अपना जो रिजल्ट पेश किया है वो इतना ज़बरदस्त रिजल्ट है और उस रिजल्ट के कारण शेयर आने वाले कुछ दिनों के अंदर बहुत तेज ऊपर की तरफ भागेगा और इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। शेयर भले ही थोड़ा महंगा हो लेकिन इसके अंदर कमाई के बहुत बढ़िया मौके बन रहे हैं। मैं इस वक्त NSE की ऑफिशियल साइट पर हूँ और यहीं से मैं आपको उसका रिजल्ट वगैरह सब दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं, मैंने उसका PDF ओपन करने वाला हूँ और उसके अंदर सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। कंपनी ने क्या करा है, इसका क्या रिजल्ट आया है, क्या प्रॉफिट हुआ है जिसकी वजह से ये शेयर इतनी तेज़ी से भाग रहा है। देखिए, बात करें अगर बाकी और कंपनियों की, तो बहुत कम कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा कारोबार किया हो, रेवेन्यू अच्छा आया हो और प्रॉफिट भी बहुत बढ़िया हुआ हो। उनमें से एक है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। तो चलिए, वीडियो को लंबी ना करते हुए मैं आपको इनका रिजल्ट दिखाता हूँ और इन्होंने PDF दिखाता हूँ कि इन्होंने प्रॉफिट कितना क्या है, रेवेन्यू कितना क्या है। तो देखिए, मैंने इसका PDF डाउनलोड किया है और उसी के अंदर मैं आपको सबको समझाने की कोशिश करूँगा। और आपने देखा भी होगा कि कल के डेट में शेयर कितनी तेज़ी से भागा था और कितना जबरदस्त उसने रिटर्न बना कर दिया है। एक दिन के अंदर जिसने इंटरडे में उसमें काम किया होगा, उसने बहुत अच्छा पैसा कमाया होगा। तो देखिए, अब मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करूँगा कंपनी ने ऐसा क्या किया है। तो देखिए, कंपनी का सबसे पहले रेवेन्यू देखें। रेवेन्यू जो उसका जून 2022 में था 27,365 करोड़ का, जो बढ़कर 2023 में हो गया जून 2023 में। यहाँ आप देख सकते हैं इसके अंदर लाल सर्कल के अंदर, उसको जस्ट नीचे देखें तो रेवेन्यू यहाँ देखेंगे आप 38,893 करोड़ का। तो देखिए, बहुत बड़ी जंप लगाई है इन्होंने, तकरीबन 3, 8 और 3, 11 लगभग 1200 करोड़ की इन्होंने जंप लगाई है। और किसी भी कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होती है इतनी बड़ी जंप लगाना। और टोटल इनकम की बात कर लें तो इसकी टोटल इनकम देखिए, जो जून 2022 में 27,809 करोड़ की थी और जून 2023 में बढ़कर 39,533 करोड़ हो चुकी है। देख सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर आप देखिए। तो देखिए, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त अपना क्वार्टरली प्रॉफिट जो कमाया है, बहुत बढ़िया कमाया है। और जो इन्होंने अपना रिजल्ट घोषित किया है उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त कंपनी ग्रोथ करती हुई और प्रॉफिट कमाती हुई दिखाई दी है। उसी का कारण है कि कंपनी के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से उछाल आया है। तकरीबन 200 रुपये प्रति शेयर का इसके अंदर उछाल देखने को मिला था। बाकी डिटेल भी देख सकते हैं आप इसके अंदर PDF में, इनकी सारी हर छोटी बड़ी चीज़ बताई जाती है, कंपनी ने क्या कहाँ पर क्या है, किस चीज़ में कितना मुनाफा हुआ है, किस चीज़ में घाटा हुआ है, कंपनी अपना सब कुछ मेंशन करती है अपने PDF में। तो आप भी NSE की साइट पर जाकर इसको खुद भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो PDF डाउनलोड किया है वो NSE की ऑफिशियल साइट से ही डाउनलोड किया है। जो भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो सब कुछ ऑफिशियल है, ना तो किसी ऐप के जरिए बता रहा हूँ, ये एक्सचेंज के द्वारा ही जारी की हुई रिपोर्ट है। तो देखिए, अब हमें करना क्या है शेयर के अंदर, हमें करना है कि इसमें जैसे भी हमें मौका मिले तुरंत खरीदारी करें और बहुत कम समय के अंदर इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होने की संभावना है। संभावना क्या, आपने कल देखा भी होगा, कल बाजार क्लोज होते होते इसने कितनी ज़बरदस्त रैली दिखाई है,
लेकिन उसमें ये भी ध्यान रखें आप, अगर शेयर डाउन जाता है, हमेशा देखने को मिलता है किसी भी शेयर में अच्छी कोई न्यूज़ आए या कोई उसका क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आ जाए तो शेयर भागने के बाद गिरने लग जाता है। तो उसमें भाई सिर्फ फंसाने वाली कोशिश की जाती है आपको फंसाने की, क्योंकि हम जैसे लोग होते हैं जो रिटेलर होते हैं, ये न्यूज़ देखकर हम एक साथ खरीदने लग जाते हैं, और जो ऊपर बैठे होते हैं पहले से खरीद के वो बेचने लग जाते हैं, वो फंसाते हैं हमें, डराते हैं ताकि हम बाहर निकल जाएं। डरना नहीं है, खास करके उस शेयर में कभी डरना जिसका फंडामेंटल बहुत अच्छा हो और उसका बिजनेस मॉडल बेहतर हो। शेयर आपको कुछ दिन के लिए गिर सकता है और हो सकता है आपको कुछ नुकसान भी दे, लेकिन आप उस नुकसान से बचने की पूरी कोशिश करें। जैसे ही आपको दिखाई दे कि हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट में और शेयर गिर रहा है तो बेच कर बाहर आ जाएं, रुकने की कोशिश ना करें। अगर आप लॉस में हैं तो तब भी ना बिकें, क्योंकि लॉस बुक करना तो अकलमंदी है ही नहीं। इतना कर सकते हैं अगर शेयर गिरता है और जिनके पास पहले से है और वो लॉस में जा रहे हैं तो वहाँ पर आप उसको और खरीदें ताकि आपका बैलेंस बना रहे, आपका जो लॉस है वो मेंटेन हो सके, और आप प्रॉफिट में हैं तो बेच दें और बेचने के बाद नीचे से दोबारा खरीदें, दोबारा खरीदारी करें। लेकिन ये कन्फर्म है कि शेयर के अंदर रैली आएगी और अच्छी खासी रैली आएगी, और ख़रीदने से पहले खुद की रिसर्च जरूर कर लें। ये मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ आपको इसकी न्यूज़ बताई है और उस न्यूज़ के बेस पर आपको काम किस तरीके से करना है वो बताया है। आप खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे वो आपकी खुद की मर्जी है, खुद की रिसर्च भी जरूर कर लें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस अच्छे मौके को हाथ से ना जाने दें और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और अच्छी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।